तीनों अंपायर जाते हुए देखिए अंपायर विशाल अमित सालवी गेंद को उठाते हुए फैज रईस और अंपायर शकील कोटी विशाल नाइक हैं। महक खान ने भी इस वक्त अहमद स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है। सो बैक टू क्रिकेट नाउ। टुडे यू आर वॉचिंग द लास्ट मैच ऑफ मिड नाइट बिटवीन अहमद स्पोर्ट एंड प्रार्थना स्पोर्ट। ये देखिए हमारा कमेंट्री बॉक्स दिखाया जा रहा था। बिल्कुल सयाम मुल्ला इरफान मुल्ला हुसैन नाचन नबील खोत साथ ही साथ सैफ सूसे इन सब ने अहमद स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है। तो स्ट्राइक पर है शाहिद खान नॉन स्ट्राइक पर है राजू पहला और लेकर आ रहे उज्जवल। दिनेश पाटिल दापोटे ने अहमद स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है और बाली ट्रॉफी की इस शाम की काफ़ी सराहना की है। क्रिकेट के लिए बहुत ही बिजी आज की शाम रही थी। उज्जवल वीआईपी एंड से शाहिद खान के लिए पहली गेंद और कैच छोड़ दिया वहां पर शाहिद खान का। बच गए शाहिद खान। बहुत लेट मोमेंट था और फुटवर्क साथ नहीं दे रहा था। ये देखिए जगह से खड़े खड़े खेले थे और कैच छूटा वहां पे। बच गए शाहिद खान। पहली गेंद पर सफलता हासिल हो सकती थी वहां पर उज्जवल को। उज्जवल की उज्जवल गेंद थी लेकिन विकेट कीपर उस कैच को पकड़ नहीं पाए। नसीब का साथ मिलता हुआ शाहिद खान को। छोटी गेंद थी हुक कर दिया उसे और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। शाहिद खान को जीवन दान देना बहुत महंगा पड़ सकता है यहाँ पे प्रार्थना स्पोर्ट्स को, क्योंकि शाहिद खान को पता था कि एक बार तो बच गए, अब वो दूसरी मर्तबा जरूर कोशिश कर सकते हैं। देखिए छोटी गेंद बैक फुट पे चले गए, पास खूबसूरत हुक, बल्ले के बीचों बीच गेंद को लिया और गेंद जब बल्ले से निकली तो उस पर मोहर लग चुकी थी 6 रनों की। इस छक्के से अपना और अपनी टीम का खाता खोला है शाहिद खान ने। उज्जवल वीआईपी एंड से शाहिद खान के लिए इस बीच ये गेंद बहुत बढ़िया स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर की दिशा में लेकिन अंदर रोका बाउंड्री लाइन के 2 रन पूरे किए। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक सीटेड बैटेड स्ट्रोक जिस तरह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में माइक सी खेलते हैं। बहुत खूबसूरत शॉट उससे बढ़िया भर के फील्डिंग 2 रन। अहमद स्पोर्ट्स के लिए सिकंदर पटेल उर्फ बाबू पटेल ने ऑल द बेस्ट कहा है, स्पेशली शाहिद खान को ऑल द बेस्ट कहा है। लेकिन ऑल इज वेल होता हुआ पहली गेंद पर जब कैच छूटा तो
तो पिछली दो गेंदों पर उन्होंने 8 रन बनाए। उज्जवल मुड़ते हुए इस बार खराब गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड घोषित किया अंपायर ने। बिल्कुल, इस वक्त ऋषि पटेल की फोर व्हीलर की चाबी पायनियर के क्रिकेटर की गुम हो गई है, अगर किसी को मिले तो वो कमेंट्री बॉक्स तक ला के पहुंचाए। उज्जवल मुड़ते हुए इस बीच गेंद एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला है, गेंद को दूसरे के लिए जा रहे और दो रन पूरे किए। इस वक्त मुदस्सिर भावे ने शाहिद खान और माजिद शेख को ऑल द बेस्ट कहा है। उज्जवल मुड़ते हुए इस बीच गेंद, बहुत बढ़िया स्ट्रोक, गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। दिस इज द क्लास बैटिंग, दिस इज द क्लास बैटिंग। अच्छी सोच की बल्लेबाजी, गेंदबाज ने वाइट किया था, शाहिद खान को पता था कि गेंद स्टंप में रखेंगे क्योंकि वो कमेंट्री भी करते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, उस सोच को पढ़ा था। और ये देखिए बहुत खूबसूरत ड्राइव इन फील्ड के ऊपर से, गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर जाती हुई, 4 रन। हालांकि शून्य पे उनका कैच छूटा था। पप्पू दिवकर, आपको तो पता है कपिल पाटिल में जो दूसरा बहुत इफेक्टिव रहा था, उन्होंने ऑल द बेस्ट कहा है इस वक्त अहमद स्पोर्ट्स को। इस चौके की मदद से स्कोर 15 रनों पर पहुंचा। पहली ओवर का खेल अभी भी जारी है और पप्पू दिवकर को आप एक्शन में देखेंगे शोएब गुड्डू ट्रॉफी में। इस बार शेरी से दूर ड्राइव लगाया पॉइंट की दिशा में और 30 कदमों से 1 रन पूरा किया शाहिद खान ने। बिल्कुल, कमिंग सून लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार और चैलेंज का जो बिग शो है वो मार्च के दूसरे हफ्ते के बाद आप देखने जा रहे हैं। और देखना है कि वहां पर क्या पप्पू दिवकर अपने दूसरे को यूटिलाइज करते हैं मेयर कप 2014 की तरह। एक ओवर की समाप्ति, स्कोर 16 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अहमद स्पोर्ट टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। बिल्कुल, जो मुकाबले कल होने, ठीक जुमाबाद आप सुपर फ्राइडे में देखेंगे बेस्ट ऑफ क्रिकेट बाली ट्रॉफी में, पहला मुकाबला मराठा पंजाब ए और जय बोलेना सरोली पारा, दूसरा मुकाबला बालाजी स्पोर्ट और महेंद्र स्पोर्ट, और तीसरा मुकाबला जो पहला क्वार्टर फाइनल रहेगा, फाइनल से पहले फाइनल बी इंडियन बनाम विकी स्पोर्ट कुक से, चौथा मुकाबला विरेन स्पोर्ट और वकी स्पोर्ट मापोली, पांचवा मुकाबला पाइनियर और इस मैच की विजेता टीम, और आखिरी क्वार्टर फाइनल कल दोपहर में जो दोनों टीमें मैच होंगे उनकी विजेता टीम। अब दूसरे ओवर के लिए मयूर को बुलाया गया, गेंदबाजी के लिए सामना करेंगे। अभी भी काफी दर्शक मैच को देख रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ना जाने कोई सिक्सर उनके हाथों में आ जाए और चैन की नींद सोने के लिए जेब में 1500 रुपए आ जाए। भूषण को बुलाया गया, गेंदबाजी के लिए सामना करेंगे शायद। फरजान अमदुल्ले कहते हैं कि शाहिद खान की चांदी ही चांदी है बाली ट्रॉफी में, बोल भी अच्छा रहे और खेल भी अच्छा रहे। इस बीच अगेन गेंद के आने का इंतजार किया था, पंच किया गेंद को कवर्स में और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। बहुत खूबसूरत शॉट, ये देखिए जगह बनाई थी, टर्न होने का इंतजार किया,
पंच किया गया इनको कवर बाउंड्री के बाहर चार रनों के लिए। पहले मुकाबले में उन्होंने 33 रन बनाए थे और दूसरे मुकाबले में 22 रन बनाए थे, 32 और 22 इन फॉर्म बैट्समैन है। फिर एक बार जगह दी थी अपने आप को खेलने के लिए, बैकफुट पे चले गए थे और खेल दिया गया इनको, कवर्स में 2 रन पूरे किए शाहिद खान ने। बिल्कुल ड्यू फैक्टर अब नजर आ रहा है क्योंकि गेंदे कैरी नहीं हो रही है बल्ले पे, तेज स्ट्रोक खेला था लेकिन आउटफील्ड थोड़ा सा धीमा हुआ है, 2 रन बना लिए। इन 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 22 रनों पर पहुंचा अहमद स्पोर्ट्स का। इस वक्त मुस्तकिम बाबे और आतिफ बाबे ने भी अहमद स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है। इस बार गेंद आने का इंतजार किया था, लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे और फंस गए वहां पर शाहिद खान, ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे लूज गेंद के लिए। बिल्कुल बहुत धीमी आई थी, ये देखिए किस तरह से, इसी तरह मंगेश आउट हुए थे, ये देखिए बल्ला नीचे से चला और गेंद ऊपर से चली गई। शाहिद खान सामना करेंगे, इस बार बैकफुट पे गए, बहुत बढ़िया स्ट्रोक इनफील्ड के ऊपर से, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। अब क्लासिक क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको पता है पावर प्ले चल रहा है, ऑफ साइड में कोई खिलाड़ी नहीं है, बहुत खूबसूरत शॉट, गेंद के आने का इंतजार किया, अपने आप को रूम दिया, टर्न हुई गेंद, बैकफुट पे चले गए, स्क्वायर कट किया लॉफ्टेड, पहले बाउंस पर गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन। 26 रनों पर पहुंचा स्कोर इस वक्त अहमद स्पोर्ट्स का। बिल्कुल कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 25 पे, क्वार्टर सेंचुरी बना चुके हैं, देखना है कि तालुका क्रिकेट की 15वीं अर्धशतक लग पाता है या नहीं, हाफ सेंचुरी। इस बीच अगेन हुक कर दिया गया इनको, बढ़िया फील्डिंग, लगभग अपने टीम के लिए मैं कहूंगा 3 रन बचाए फील्डर ने, कैप्टन ने 3 रन बचा लिए वहां पर, बहुत तेज स्ट्रोक गया था, कंट्रोल हुक शॉट खेला था, आइए देखते हैं किस तरह से रोका वहां पर, ऑफ स्टंप के बाहर निकल गए थे, हुक किया था लेकिन ये देखिए लाजवाब फील्डिंग कप्तान की। और अब 11 गेंदों के बाद राजू को स्ट्राइक मिला है भावे सर, राजू जिन्होंने मैजिक बॉक्स में 6 लगाया था। इस बीच ये गेंद बहुत बढ़िया ड्राइव किया गेंद को, खिलाड़ी गेंद के पीछे जा रहे हैं, नहीं रोक पाएंगे, गेंद एक्स्ट्रा और बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। अब कहना होगा कि 2-धारी तलवार चलती हुई अहमद स्पोर्ट्स की। बिल्कुल हबीब सुपर बाउंड्री की तरफ अब दोनों खिलाड़ी बढ़ते हुए, ये देखिए ओवर पिच गेंद थी, फॉलो थ्रू बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत एग्जीक्यूशन, प्लेसमेंट लाजवाब, गेंद 2 खिलाड़ियों के बीच में से जाती हुई 4 रन। 2 ओवर में रनों की लूटमार मचा रखी यहां पर अहमद स्पोर्ट्स ने, 31 रन अब तक हो चुके हैं, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी हम देख रहे हैं। और अहमद स्पोर्ट्स के ये दोनों ही बल्लेबाज जब रन बनाते तो बाद के बैट्समैन भी रन बनाते, अगर ये फ्लॉप हो गए तो फिर पीछे के बैट्समैन भी कहीं ना कहीं कठिनाइयां पेश करते हैं। MH 04 3367 एक गाड़ी हमारे पार्किंग जोन से कहीं गुम हो गई है, जिस किसी को भी मिले वो पायनियर स्पोर्ट्स तक उस गाड़ी को पहुंचाए, हम उसके मालिक तक वो गाड़ी पहुंचा देंगे। तीसरा ओवर लेकर आ रहे मयूर, बैटिंग पावर प्ले सामना करेंगे शाहिद खान, बैटिंग पावर प्ले लिया गया। इस बीच ये गेंद स्वंग कर दिया है गेंद को, 6 रन, ये लगा छक्का और इस बार गेंदबाज मयूर अक्का बक्का, बहुत खूबसूरत शॉट,
टेरिफिक स्ट्रोक सोफा बहुत जल्दी हरकत में आ गए थे, वहां पे देखना चाहेंगे किस तरह से। ये देखिए जल्दी हरकत में आए, शॉर्ट आर्म पुल कर दिया, गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जाती हुई, 6 रन। और नबील कहां जाता है कि हरकत में बरकत है। 37 रनों पर पहुंचा स्कोर इस छक्के की मदद से। शाहिद खान सामना कर रहे हैं, फिर एक बार लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद मोटा सिरा लेकर शॉर्ट थर्ड मैन पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेलना चाहते थे। बढ़ता हुआ स्कोर 38 पर पहुंचा, तीसरे ओवर का खेल जारी है। कहना होगा कि कैप्टन अब कैप्टन नॉक खेलते हुए अपनी टीम के लिए शाहिद खान। इस बार राजू ने नीचे बैकलिफ का इस्तेमाल किया, धीमे से पुश किया और स्ट्राइक को रोटेट किया, शाहिद खान को स्ट्राइक दिया। 39 रन बिना किसी विकेट के, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी आप देख रहे हैं। एक छत के नीचे हमारे कई खैरख्वाह मैच का मजा ले रहे हैं, सम जीनियस पर्सनालिटी अंडर द वन रूफ। शाहिद खान सामना करेंगे मयूर का। इस बीच अगेन स्वांग किया गेंद को, लेकिन नो मैन्स लैंड में गेंद टप्पा खाती हुई 2 रन पूरे किए शाहिद ने। इन 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 41 रनों पर पहुंचा। कहां पे उनका सीफर पे कैच छूटा था और कहां पे वो बल्लेबाजी इस वक्त कर रहे हैं। 35 रनों पर अब तक 3 अर्धशतक लग चुके हैं बाली ट्रॉफी में, अगर चौथा लगता है तो तालुका क्रिकेट का जो कीर्तिमान है वो बराबर हो जाएंगे। और 15वां अर्धशतक रहेगा इस सीजन में तालुका क्रिकेट में। इस बार धीमे बल्ले से स्वीप किया है गेंद को मिड विकेट पर, 1 रन पूरा किया शाहिद ने। बिल्कुल सब कुछ खेल रहे हैं, वो जो कहते हैं ना कि जब किसी की चलती है तो उसके हथेली पे मोमबत्ती जलती। राजू सामना करे, इस बार अच्छी गेंद, फुल लेंथ की गेंद थी, बॉलर बैक ड्राइव, कोई रन नहीं, डॉट गेंद। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 42 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर अहमद स्पोर्ट्स। इस वक्त एनसीपी में जिन्होंने कमेंट्री की थी माइज शेख ने ऑल द बेस्ट कहा है इस वक्त अहमद स्पोर्ट्स को। कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं शाहिद खान? 3। बिल्कुल विकेट कीपर ने जब कैच छोड़ा था तो नबील शायद मुझे ऐसा लगा था कि दुआएं रंग लाती। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 42 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर, क्या कुछ होगा आखिरी 3 ओवर में, आइए सुनते आगे की कहानी द वॉइस ऑफ थाना जिला सिद्दीक बाबे सर की जुबानी। थैंक यू नबील, वेरी गुड टोटल ऑन द बोर्ड, शाहिद ऑन 36 help on sub sweet offside strokes, 42 for no wicket in this Bali Trophy. First 50 made by Jay Vaital Kumar, second from Shekhar Dalvi of Fiki Sport Kukse, and third from Ajib Weir, Fiki Sport Kukse. Back to cricket now. Change in bowling now. Milind brought into the attack and facing him Shahid Khan. He is on 36. In first match he made 32. In second match he made 22. Now he is the captain of Ahmed playing a captain knock. This time fine delivery cutting back to the batsman. Shahid looking for a pull.
wasn't a short delivery. That was a good length delivery, like by signal from umpire. Score was up to 43 for no wicket. Here goes up comes Milind. Ball this time, flashy square cut. Straight to cover point with the stroke batsman. Through for one. Score moves up to 44 for no wicket. Beautiful ball indeed. Keeping low, Shai try to curse that ball. Lovely delivery from Milind. Beats him outside here for some. Chasing that ball, played slightly awkwardly. Milind. Goes to Shai. This time played beautifully but equally stopper from the short fine leg fielder. And with the stroke, Shai gets one. He moves up to 37. Ahmed Sport right on top now. Fourth over in progress. 45 for no wicket. Milind, up to the wicket now. Goes to Raju, swing dash ball over mid wicket for a massive hit. 6 runs. And 50 coming up for Ahmed Sport. 51 for no wicket. Beautiful stroke. Slog dash ball high in the air over mid wicket. Superb six, plenty of power behind his stroke, tremendous timing. Milind, up to the wicket now. Goes to Raju, beats him. But he bows in Dusra Mohalla, white signal from umpire. 1-2 score now, 52 for no wicket. The time is quarter past one. Tomorrow, I think, lot of biggest matches. This time, try to hook that ball. They threw for one. Ball is traveling to short leg by signal from umpire. That marks end of the fourth over. Very good going, Ahmed Sport. 53 for no wicket. Shahid Khan, the captain, on 37. And Raju, help up one boundary and 1-6. He's on 12. So far, captain knock played by Shahid Khan. 4 over ki samapti, 53 run, bina kisi wicket ke. Ab tak तालुका क्रिकेट में 16 मेगा इवेंट हुए हैं. 4 को जीता है विकी स्पोर्ट कुकसे ने, 4 को जीता है बी इंडियन ने और दोनों के पीछे पड़ गई है मराठा पंजाब ए. 2 टूर्नामेंट जीतकर 1 को जानवी ने, 1 को जयदुर्गा बी ने, 1 को महेंद्रा ने, 1 को पाइनियर ने, 1 को जय भोलेनाथ सरोली पाड़ा ने जीता. अभी तक जो बड़ी टीमें हैं बालाजी, अहमद स्पोर्ट, जॉली स्पोर्ट, कामतकर, वीरेन स्पोर्ट,
कप नहीं जीत पाई है, छोटी गेंद थी, बैकफुट पे चले गए थे और गेंद ही नजर नहीं आई, चार रनों के लिए बाहर जाती हुई। इस चौके की मदद से 16 पे पहुंचे, वहां पर राजू और कुल स्कोर को पहुंचा दिया 57 रन बिना किसी विकेट के। अब तक 86 रनों की पार्टनरशिप जय वैताल ने बनाई है इस बाली ट्रॉफी में। एक और आसमान में खेली हुई गेंद, फील्डर उसके नीचे और पहला झटका लगता हुआ राजू आउट। ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहां पर, ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा था, सिर आसमान में, गेंद आसमान में, कोई गलती नहीं, पहला विकेट। अच्छी बल्लेबाजी की, 16 रन बनाए, दो चौके और एक सिक्सर लगाया। नए बैट्समैन जावेद हैं और नबील दिवकर आज वार क्या है, सोमवार रहे या मंगलवार रहे, ये जो जावेद है ना, ये जब बल्लेबाजी को आते हैं तो सिर्फ वार करते हैं और गेंदबाजी को जब आते हैं तो सिर्फ शिकार करते हैं। इस मरतबा ड्राइव किया बहुत खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, रनिंग बिटवीन द विकेट उतनी अच्छी नहीं, जहां पर दो रन थे वहां पर एक रन बना, स्कोर 58 रनों पे पहुंचा है। नए बैट्समैन जावेद सामना कर रहे हैं, 58 रन एक विकेट गंवाने के बाद पांचवा ओवर चल रहा है, देखना है कि जावेद के लिए जो मिड विकेट के खिलाड़ी हैं वो बिल्कुल तैयार। इस मरतबा गेंद को स्लॉग किया है, बढ़िया कैच, कैचेस विनिंग मैचेस। बहुत खूबसूरत कैच, ये देखिए विद टाइट, आधा पुल और आधा स्वंग, कैचेस विनिंग मैचेस, चम करके उस कैच को पकड़ा है, बहुत खूबसूरत कैच। स्कोर इस वक्त 58 रन दो विकेटों के नुकसान पे, पिछले मैच में भी शून्य पे आउट हुए थे, इस मैच में भी जावेद शून्य पे आउट हुए और ऐसा लगता है कि जावेद अब चश्मों की दुकान में खड़े हैं। अट्ठावन रन दो विकेटों के नुकसान पे, पांचवें ओवर का खेल चल रहा है और इस वक्त 38 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं शाहिद खान। इस मरतबा गेंद को आसमान में खेला है, लॉन्ग ऑन उसके नीचे, शाहिद खान आउट। नेत्रांजन टीम के जो कैप्टन थे उन्होंने कोई गलती नहीं की और 38 रनों की बारी खेलने के बाद आउट हो गए वहां पर शाहिद खान। काफी देर तक गेंद आसमान में रही थी, ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई कम, और ये देखिए कैप्टन नितरंजन ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा और अब हैट्रिक पर आ गए हैं गेंदबाज मयूर। कैप्टन ने कहा थे
कि मयूर से ही अपेक्षा ज्यादा है और मयूर ही चलते हुए 38 रन बनाए आउट होने से पहले। बढ़िया बल्लेबाजी, उनका स्वागत किया जा रहा है बिग हैंड से। मयूर अगर हैट्रिक लेते हैं तो छठे गेंदबाज बन जाएंगे और अजर मजर शेख मोतीवाला की तरफ से उनको 5,000 रुपये का इनाम है। मयूर खारबाव के बहुत मशहूर ऑलराउंडर हैं, बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं। इस मरतबा बैक फुट पे चले गए थे, धीरे से गेंद को पुश किया था बैकआउट ऑफ द पॉइंट एक रन के लिए। ओवर समाप्त होते हुए 5 स्कोर है 59 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। पानी बाली ट्रॉफी में हमें स्पॉन्सर किया है ओम साई चिल्ड वाटर, सुभाष ठाकरे और संजय ठाकरे ने। और आपकी तीक्ष्णा लबी को बुझाने के लिए बहुत ही ठंडा और चिल्ड वाटर यहाँ पे दस्तियाब। और किसी ने नबील सच कहा है कि किस कदर शिद्दत एहसास लिए बैठा हूँ, दूर रहकर भी तुझे पास लिए बैठा हूँ, और गैरत तीक्ष्णा लबी ने मेरी इज्जत रख ली, लबे दरिया हूँ मगर प्यास लिए बैठा हूँ, तुझसे अब तर के ताल्लुक भी मेरे बस में नहीं, यही उलझन यही एहसास लिए बैठा हूँ। पांच ओवर 59 रन और 3 विकेट। गेंदबाजी मिलिंद को कंटिन्यू रखा गया है, आखिरी ओवर है ये और सामना कर रहे हैं बैट्समैन ताहिर। रिची रिचर्डसन की तरह उनका खेलने का अंदाज है। नॉन स्ट्राइक पर इस वक्त आलम नजर आ रहे हैं, गोल्डन सिक्स लगाने वालों में आलम का नाम है। 8 बैट्समैन है जिन्होंने गोल्डन सिक्स लगाया है। इस वक्त कई मैसेज और कॉल आ रहे हैं इस स्पर्धा के लिए, बाली ट्रॉफी 2016 के लिए, और स्पेशली हमारे गुरु भावे सर के लिए, कि उनकी कमेंट्री का कोई जवाब नहीं। इस मरतबा मोड़ दिया ऑन साइड में, गैप में गेंद है और गेंद जाएंगी इस वक्त मैदान के बाहर 6 रन। दर्शकों की भी तारीफ करनी होगी ना, टीवी से हट रहे ना मैदान से हट रहे। मैदान से तो कोई हटेगा कहां से, हवा में आता हुआ शॉट 1500 रुपये के साथ आ रहा है। और वो जो मुगले आजम का डायलॉग था ना कि अंधेरे और बढ़ा दिए जाएंगे, कल इनामत और बढ़ा दिए जाएंगे। मिलिंद इस मरतबा पैक फुट पे चले गए, कट शॉट खेला है, गेंद स्क्वाडिश थर्डमैन पर चली गई है, टायर दूसरे के लिए मोड़ना चाहते थे, मना किया। एक रन से स्कोर। शोएब गुड्डू में आप कई मान क्रिकेटर्स जो बीसीसी के इस वक्त नहीं खेल रहे सबको देखेंगे, प्रिंस ऑफ बोरियली नबील खोत और दूसरा एक्सपर्ट पप्पू दिवकर। इस मरतबा तेज गेंद थी, दूसरे मोहल्ले में वाइट। कल बालाजी में देखना है कि पापा सुसे और सुफियान शेख जो इनफॉर्म बैट्समैन है इस वक्त तालुका क्रिकेट में, स्कोर 67 रन। मरतबा फ्लिक करते हुए ऑन साइड में 1 रन। अगर इस मुकाबले को अहमद स्पोर्ट अगर जीतती है
तो बैक टू बैक दूसरा मुकाबला रहेगा। बी इंडियन ट्रॉफी में अहमद स्पोर्ट को शिकस्त दी थी पायनियर ने। पप्पू खान हमारे बीच में, आपका इस्तकबाल है। स्कोर इस वक्त 68 रन। इस मरतबा गेंद को खेल दिया है डाउन दी विकेट और गेंद 6 रनों के लिए बाहर। बहुत खूबसूरत शॉट, इस तरह के शॉट आसान नहीं होते डाउन दी ग्राउंड, जब सीधे ब्लेड से आप बल्लेबाजी करते हैं मानो कमान से जिस तरह तीर निकलता है। ये देखिए डाउन दी ग्राउंड खेला था, 6 रन, 74 पे पहुंचा स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पे। छठा और आखिरी ओवर चलता हुआ, इस मरतबा बहुत ज्यादा बाहर किया था वाइट, 75 रनों पे पहुंचा स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। इस मरतबा बहुत खराब गेंद, 5 रन वाइट के मिलते हुए। किसे कहते हैं कि गरीबी में आटा गीला करना या दुष्काल 13वां नहीं बल्कि 14वां महीना। कहां गेंद की थी उन्होंने, ऐसे लग रहा है कि गेंदबाज के कहीं ना कहीं आंखों पर अब नींद का खुमार नजर आ रहा है। स्कोर 80 पे पहुंचा 3 विकेटों के नुकसान पर। इस वक्त अभी भी कई मैसेज आ रहे हैं इस स्पर्धा के लिए और स्पेशली हमारे गुरु सिद्दीक भाभे सर के लिए। और किसी ने क्या खूब कहा है कि इतनी स्वीट आवाज है तो कैसे टेलीविजन सेट से हम हट सकते हैं। 80 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। इस मरतबा स्लॉग किया है, गेंद आसमान में, फील्डर उसके नीचे और अब जाकर आउट हो गए ताहिर। ये देखिए किस तरह से आउट हुए, ऑफ स्टंप के बाहर से स्लॉग स्वीप किया था, गेंद बहुत देर तक आसमान में रही थी और ये देखिए आराम से कैच को जज किया दूसरी कोशिश में। अस्सी रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अब हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा लक्ष्य सामने रखने जा रही है अहमद स्पोर्ट। उस्मान मामू ने कहीं जगह कहीं इनामात रखे, कहीं ट्रॉफीज उन्होंने खासतौर से इनाम में रखी, लेकिन देखना है कि उनके हिस्से में कब ट्रॉफी आती है। क्या कर रहे हैं गेंदबाज वाइट, 81 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। इस मरतबा मोड़ दिया शॉर्ट फाइन लेग पे खिलाड़ी 1 रन, तो कुल मिलाकर 82 रन बने। 83 रनों की चुनौती रखी है और खेल की जब दूसरी इनिंग में शुरुआत होगी मैं आवाज़ दूंगा नबील दिवकर को जो बहुत अच्छे अंदाज में कमेंट्री करते हैं। वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, जो बात कर ले तो बुझते चराग जलते हैं।
ये हमारे दर्शकों को आप देख सकते हैं। कल दोस्तों पहला मुकाबला रहेगा जहां पर मराठा पंजाब ए और जय भोलेनाथ सरोली पारा टकराएंगी ठीक 2 बजे। कल आखिरी प्री क्वार्टर वॉर ऑफ टाइटंस बालाजी स्पोर्ट और महिंद्रा स्पोर्ट, और कल पहला क्वार्टर फाइनल, फाइनल से पहले फाइनल, दोनों एक नंबर की टीमें बी इंडियन और विकी स्पोर्ट कुक से टकराएंगी। दूसरा क्वार्टर फाइनल रहेगा वीरेन स्पोर्ट और वकी स्पोर्ट मापोली के बीच में। तीसरा क्वार्टर फाइनल रहेगा पाइनियर और इस मैच की विजेता टीम के बीच में, और आखिरी क्वार्टर फाइनल रहेगा मराठा पंजाब और भोलेनाथ की विजेता और बालाजी और महिंद्रा स्पोर्ट्स की विजेता रिजवान फकी और ठाकुर। देर रात मैच का मजा लेते हुए शंकर एस बी, चिल्लियन चिल्ली के फराज नासिककर, अशीर माजिद बोबड़े, बाली ट्रॉफी में लजीत खाना उन्होंने प्रोवाइड किया है। दोनों ओपनर्स बीच मैदान पे जाते हुए और माइक्रोफोन पे आ रहे हैं, मेरे साथी कमेंटेटर नबील दिवकर। सत्ताईस तारीख को इसका फाइनल है, 28 से डे नाइट में बचा हुआ बालाजी चषक खेला जाएगा। 29 तारीख से भादौड़ में लाइव टेलीकास्ट के साथ आप देखेंगे मदन कृष्णा नाइक चषक। मापोली की टीम बहुत फॉर्म में है और 2 से 8 मार्च मापोली में मापोली कप आप देखेंगे। 6 से 13 तारीख आप देखने जा रहे जॉली का शो, और जो दीना पाटिल का शो था आदित्य ठाकरे चषक, वो आप 17 अप्रैल के बाद होगा, लेकिन उसके बाद लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार और चैलेंज का सबसे बड़ा टेनिस का बिग शो आप देखेंगे मार्च के दूसरे हफ्ते के बाद। 1 से 10 अप्रैल तक इसी ग्राउंड पे ऐतिहासिक पर्सनालिटी शोएब खान गुड्डू का फ्री एंट्री टूर्नामेंट, जहां पर आपको एक्शन में नजर आएंगे पप्पू दिवकर और नबील खोत, कई खिलाड़ी जो इस वक्त इस साल नज़र नहीं आ रहे। और उस वक्त तो हम कह सकते हैं नबील कि ये जो पप्पू दिवकर है ना, ये जब दूसरा डालते हैं तो बैट्समैन दूसरा आ जाता है। उसके बाद आप देखेंगे 8 से 17 अप्रैल क्रिकेट के रंग महिंद्रा स्पोर्ट्स के संग, जो कि दिन और रात की रोशनी में खेला जाएगा ML A 4th। उसके बाद दीना पाटिल का शो रहेगा आदित्य ठाकरे चषक, और उसके बाद स्वयंभो चषक जीतू गवली का रहेगा। उसके बाद भी कहीं जो स्पॉन्सर हैं वो डेट मांग रहे हैं कि हमें आगे डेट दी जाए। फिर कहना होगा कि फिर जब हम कमेंट्री करेंगे तो कहना पड़ेगा द प्ले हेल्ड अप ड्यू टू द रेन, बारिश की वजह से खेल रोक दिया गया है, लेकिन इस वक्त खेल चलता हुआ। माइक्रोफोन पे आ रहे हैं नबील दिवकर। थैंक यू भावेश सर। अब पहली ओवर के लिए वसीम को मोर्चे पर लगाया गया है गेंदबाजी के लिए, वीआईपी एंड से गेंदबाजी करेंगे वसीम। स्ट्राइक पर है भूषण, नॉन स्ट्राइक पर है अजीत। वसीम वीआईपी एंड से। और 27 फरवरी को तो दो ही बातें रहेंगी कि हाई वोल्टेज
भारत पाकिस्तान में कौन जीता और बाली कप को कौन जीता? वसीम पहली गेंद ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर, वाइड घोषित किया अंपायर ने। इस बीच ये गेंद बहुत खूबसूरत गेंद लहराती हुई बलकाती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास डॉट के रूप में। वसीम मुड़ते हुए इस बीच ये गेंद मोटा सिरा लिया गेंद का शॉर्ट थर्ड मैन पर, एक रन पूरा किया, दो पर पहुंचा स्कोर प्रार्थना स्पोर्ट्स का। बिल्कुल, इस सीजन में वसीम ने अच्छी गेंदबाजी की है जहां तक ताल्लुक है अहमद स्पोर्ट्स का, लेकिन एक गेंदबाज के भरोसे आप मैच नहीं जीत सकते। माजिद शेख को आज टीम में लिया गया है, देखना है, बहुत देर के बाद लिया है, वो अपने फॉर्म के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। वसीम मुड़ते हुए इस बीच अगेन हवा में, लेकिन बढ़िया कोशिश, कैच नहीं अंजाम दे पाए आरिफ। बिल्कुल आगे गए थे लेकिन झुके नहीं थे। इस बार पिच पर उतर रहे थे, लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे और ये देखिए पहले अप में कैच निकल गया। अगर दो कदम वसीम आगे जाते तो कैच अंजाम दे सकते थे, दो कदम विकेट कीपर आगे आते तो कैच अंजाम दे सकते थे। एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, बढ़ता हुआ स्कोर तीन पर पहुंचा। अजीत सामना करेंगे वसीम का। इस बार तेज ड्राइव किया गया इनको ऑन साइड पर, रन के लिए निकल पड़े, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, एक रन पूरा किया। चार रनों पर पहुंचा स्कोर, पहली ओवर का खेल जारी है, 83 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है प्रार्थना स्पोर्ट्स इस मैच को जीतने के लिए। इस बीच ये गेंद लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद हवा में, विकेट कीपर गेंद के नीचे और आउट हो गए वहां पर बैट्समैन भूषण। पहला झटका प्रार्थना स्पोर्ट्स को। जिस टीम ने एनआर को हराया उस टीम को प्रार्थना ने हराया, लेकिन ये देखिए प्रार्थना की स्थिति अब नाजुक लगती हुई पहले पावर प्ले में।
एक ओवर में सिर्फ 5 रन बने, एक विकेट गंवाने के बाद जावेद गेंदबाजी के लिए आए। पिछले मैच में भी शून्य पे आउट हुए थे लेकिन मैन ऑफ द मैच रहे थे, 2 ओवर 8 रन और 3 विकेटें ली थी। बहुत बढ़िया गेंद, धीमे बल्ले से पुश किया, कवर्स में एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। रोशन ने अपना खाता खोला है, अब अजीत आए। इस बीच अगेन कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, गेन ऑफ स्टंप से ज्यादा भारतीय वाइड घोषित किया अंपायर ने। इस बीच अगेन स्क्वायर लेग पर खेला, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। रोशन सामना करेंगे, इस बीच ये गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे और दूसरा झटका प्रार्थना स्पोर्ट्स को और जावेद को मिलने वाली पहली सफलता। बाबू ने कैच को अंजाम दिया। नए बैट्समैन प्रफुल जा रहे बल्लेबाजी के लिए, स्ट्राइक पर है अजीत। इस बीच ये गेंद हुक करना चाहते थे बीटी हुए बैट्समैन डॉट गेंद। खराब गेंद वाइड घोषित किया अंपायर ने। इस बार ऑफिस टाइम से ज्यादा बार वाइड घोषित किया अंपायर ने। स्कोर में एक रन से और इजाफा होगा, 9 रनों पर पहुंचा स्कोर। और जावेद बैट्समैन को नहीं बल्कि किसी और को परेशान कर रहे हैं। इस बीच ये गेंद खेल दिया मिड विकेट की दिशा में और आउट हो गए वहां पर बैट्समैन अजीत। तीसरा झटका इस वक्त अजीत के रूप में प्रार्थना स्पोर्ट्स को।
इस बीच अच्छी गेंद, दूसरे रन के लिए जा रहे, 22 का इशारा अंपायर का। ओवर की समाप्ति बिल्कुल एक तरफा मुकाबला आप देख रहे हैं, अभी भी दर्शक वहां मौजूद है बहुत ज्यादा, 10 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। मैजिक बॉक्स में अभी भी आप देख सकते हैं वी फॉर विक्ट्री, टाई टाई फिश। दो ओवरों की समाप्ति, स्कोर केवल 10 रन 3 विकेटों के नुकसान पर प्रार्थना स्पोर्ट्स। देखिए 3367 नंबर की गाड़ी पार्किंग जोन से चली गई है, जिस किसी को भी मिले वो हम तक पहुंचाए कि अभी भी मौका है कि अगर गलती से कोई लेकर गया तो वो हम तक कांटेक्ट करे, हम वहां से लेके आएंगे जहां पर वो लेकर गया है। आरिफ को बुलाया गया, छोटी गेंदती हुक कर दिया है गेंद को, एक रन पूरा किया। इस बीच ये गेंद बहुत बढ़िया स्ट्रोक और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। छोटी गेंद थी, जल्दी हरकत में आ गए थे, हुक कर दिया गेंद को, फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। तुषार के बल्ले से निकलता हुआ चौका, इस चौके की मदद से तुषार ने अपना खाता खोला है, 15 रनों पर पहुंचा स्कोर। आरिफ मुड़ते हुए, बहुत बढ़िया गेंद, क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, बीटू ए डॉट गेंद। अच्छी गेंदती आगे पिच किया था और बैट्समैन बल्ले की जड़ से खेलना चाहते थे, बैकलिफ को पूरी तरह से नीचा नहीं कर पाए थे। बीच खराब गेंद, ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर, वाइड घोषित किया अंपायर ने, 16 पर पहुंचा स्कोर। इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेला है, बहुत बढ़िया स्ट्रोक, गेंद तेज आउटफील्ड पर सरकती हुई, लेकिन उससे बढ़िया फील्डिंग, 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए शहबाज ने। बहुत खूबसूरत फील्डिंग, पूर्व अनुमान के साथ 2 रन बचाए, बढ़िया रिवर्स स्वीप किया था और बहुत जल्दी अपने बाईं ओर गेंद को फील्ड करते हुए शहबाज। आरिफ मुड़ते हुए, इस बार गेंद को खेल दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। डॉट गेंद, इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर
19 रन 3 विकेटों के नुकसान पर क्या कुछ होगा आखिरी 3 ओवर में, आइए सुनते हैं की कहानी द वॉइस ऑफ थाना जिला सिद्दीक बाबे सर की जुबानी। बहुत बहुत शुक्रिया नबील दिवकर। 3 ओवर में 19वें, कहा जाता है कि दिल्ली बहुत दूर है। हमारे कमेंटेटर अजय गरत कहते हैं कि देहरादून बहुत दूर है और मैं कहता हूं कि रंगून बहुत दूर है। गेंदबाजी के लिए कासिम बाबू को लगा दिया गया है, उनका सामना करेंगे बैट्समैन। तुषार सामना करने जा रहे हैं। पहली गेंद बल्ले का बाहरी किनारा, डीप थर्ड मैन पर 1 रन, 20 पे पहुंचा स्कोर। ये गेंद भरपूर स्क्वायर कट करना चाहते थे वाइड, कासिम बाबू को वाइड गेंद की, वहां पर उनको करीब ही जाना है। कासिम बाबू गेंद हुक करने की कोशिश, गेंद पॉइंट पे ओवर थ्रो हुआ, बैकअप कर रहे हैं वहां पे खिलाड़ी, 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। बहुत तेज गेंद थी, हुक करना चाहते थे, शरीर से टकराई थी लेग बाय, स्कोर 23 पे पहुंचा। ये गेंद इस मरतबा खूबसूरत स्ट्रोक, 4 रन डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। छोटी गेंद थी, अपने आप को गेंद की लाइन के अंदर किया, बहुत ही खूबसूरती के साथ हुक किया, 4 रन। कासिम बाबू राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए, इस मरतबा फोर्स करना चाह बैकफुट पे जाके, शॉट में टाइमिंग अच्छी नहीं थी, 1 रन बना। कासिम बाबू हाजी समरसेट स्टैंड एंड की जानिब से गेंदबाजी कर रहे हैं। इस मरतबा तेज निकल गई गेंद बल्ले के करीब से विकेट कीपर के पास।
राइट आर्म राउंड विकेट आते हुए तेज गेंद आगे रखा था, फिर से बीट किया। चार ओवर की समाप्ति, स्कोर है 28 रन 3 विकेटों के नुकसान पर प्रार्थना स्पोर्ट। चार ओवर की समाप्ति, स्कोर है 28 रन। गेंदबाजी के लिए माजिद शेख को बुलाया गया है, बहुत दिनों के बाद उनको हम एक्शन में देख रहे हैं। बैटिंग पावर प्ले लिया था, वहां बैट्समैन भी भूल गए थे कि चार ओवर हो चुके। माजी शेख लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जा रहे हैं, सामना करेंगे बैट्समैन प्रफुल्ल। इस मरतबा अच्छी गेंद थी, सीने के करीब आई थी, एक रन बनता हुआ स्कोर 29 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। माजी शेख लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, इस मरतबा छोटी गेंद थी, पुल, खिलाड़ी उसके नीचे, लेकिन क्या छूटा हुआ वहां पे शाहिद खान से, जीवन दान मिला है बैट्समैन को, आसान सा कैच गिरा दिया। ऑफ स्टंप के बाहर से खेला था और ये देखिए गेंद उनके हाथ में आकर छिटकती भी। माजी शेख प्रफुल्ल के लिए अजीबोगरीब शॉट खेला है, लेकिन प्लेसमेंट बहुत बढ़िया, गेंद को रोकने में कामयाब हुए, एक रन। एक रन से 30 रन 31 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। पांचवे ओवर का खेल चल रहा है और भारतीय मियारी वक्त के मुताबिक मध्य रात्रि के 2 बजा चाच। माजी शेख इस मरतबा दूसरे मोहल्ले में वाइट। माजी शेख इस तरह अगर ओवर को लंबा खींचेंगे तो उनको भी पड़गा जाना है, लेकिन लगता है कि उन्होंने आज यहीं रहने का इरादा किया है। माजी शेख लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, अच्छी गेंद शरीर से टकराई, लेग बाई का रन पूरा, ओवर थ्रो, दो रन बना लिए। सपोर्टर्स अच्छा एंजॉयमेंट कर रहे हैं, दो रन से स्कोर 34 रनों पे पहुंचा है 3 विकेटों के नुकसान पे। कम्युनिकेशन मैन
अबुल्लाइस मरतबा हुक कर दिया है और गेंद डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर चार रन। बहुत अच्छा शॉट, बहुत फाइन खेला था, चार रन। कुल स्कोर 38 पे पहुंचा है, 3 विकेटों के नुकसान पर। पांचवा ओवर चलता हुआ, माजिद शेख लंबा हिट लेने की कोशिश, गेंद पैरों से टकराई, दो रन नहीं पूरे हो सके लेग बाय और बैट्समैन रन आउट। पांच ओवर की समाप्ति, 39 रन, 4 विकेटों के नुकसान पे। यस, वो भी आ गए हैं। यस आखिरी ओवर के लिए गेंदबाजी को जावेद को बुलाया गया है। जावेद राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए, पहली गेंद इस मरतबा पुश किया, एक रन 40 पे पहुंचा स्कोर, 4 विकेटों के नुकसान पे। रिवर्स खेलने की कोशिश, रन नहीं बना, 40 रन 4 विकेटों के वाइड गेंद दिए, 41 रन हो चुके हैं। मयूर को अगेन हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, गेंद लॉन्ग ऑन पे, एक रन बढ़ता हुआ स्कोर में, 42 पे पहुंचा स्कोर, 4 विकेटों के नुकसान पे। 5 गेंदे बची है इस वक्त। ये अजीब और गरीब क्रिकेट, लगाया ही नहीं है उसने, लगाया ही नहीं, आउट नहीं किया है वहां पर। यस आउट, प्लेस पवेलियन को बताया जा रहा है। नित्रांजन एंड साइड ने अच्छा बाली ट्रॉफी को एंजॉय किया, प्री क्वार्टर तक पहुंची है टीम। ये देखिए फिर से किस तरह से गेंद शॉट को खेला था पीठ पर विकेट कीपर के। इस बीच गेंद, एक रन बढ़ता हुआ स्कोर में, 43 रनों पे पहुंचा स्कोर। कितनी गेंदें बची है जुल्फिकार,
दो गेंदे बची है आखिरी ओवर की। मरतबा वाइट इस मरतबा गेंद को आसमान में खेला है, एक और विकेट। बड़े मार्जिन के साथ इस मैच को जीतने जा रही है और कल पायनियर से इनका तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला रहेगा। अहमद स्पोर्ट बनाम पायनियर, इंडियन ट्रॉफी में भी क्वार्टर में टकराई थी, जीत हुई थी पायनियर की। हुक किया गेंद मैदान के बाहर और प्रार्थना स्पोर्ट बाली ट्रॉफी के बाहर। कॉन्ग्रेचुलेशन।